नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज से हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं, खोज खबर। जी हाँ, खोज खबर, छोटी बड़ी खबरें, देश दुनिया की खबरें, हमारी नजरों में अहमियत रखने वाली खबरों को हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे असम की राजधानी गुवाहाटी की ओर। Right down, I'm India. My serial number in the NRC is 20,543. I have two children. Another is coming next summer. Will you hate him as you hate me? गुवाहाटी में 10 कवियों कार्यकर्ताओं पर मियां बोली, जी हां, मियां शैली में कविता लिखने का आरोप लगाकर FIR दर्ज की गई है। यह अपने आप में बिल्कुल ही अनूठा मामला है। यह FIR हफीज अहमद की एक कविता को आधार बना के लिखी गई है। इस कविता का शीर्षक है बोलो। इस FIR में बाकी जिन लोगों को शामिल किया गया है उनके प्रमुख जो नाम हैं वो हैं सलीम एम हुसैन, रेहाना सुल्ताना, अब्दुल रहीम, अशरफ हुसैन, अब्दुल कलाम आज़ाद, काजी सरवरा हुसैन, करिश्मा हजारिका, बाना मलिक और फुहाद भुवान। इन सब पर जो आरोप लगाया है पुलिस ने और एक जो शिकायत पुलिस को मिली है जिस पर उसने तुरंत कार्रवाई की, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली और चिंताजनक है। इसमें जो आरोप लगाया है पुलिस का मानना है कि इन लोगों ने जिन कविताओं को लिखा या जिन कविताओं को फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट किया गया वे दरअसल राष्ट्रद्रोही हैं। उनसे पूरे देश में, पूरे देश ही में नहीं, FIR की माने तो देश के बाहर भी एक जलजला सा आ गया है। ऐसा लगता है कि जो कविता है जिसे अभी हम सुनेंगे भी, वह कविता इतनी विस्फोटक है कि उसे सुनकर लोग उग्र हो जाएंगे, लोग हिंसा करने लग जाएंगे। ये जो कविता है और ये जो पूरी बोली है इसे लेकर पिछले कुछ समय से असम के इस इलाके में बातचीत, विमर्श सब चल रहा था। कुछ असमी कवि इस शैली को लेकर विरोध कर रहे थे, उनका मानना था कि इस शैली में लिखा जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन यहाँ हम आपके साथ बताना चाहेंगे कि जो शैली है यह दरअसल रेजिस्टेंस की शैली के तौर पर मुस्लिम लेखकों ने विकसित की है। उनका मानना है कि मियां शब्द को और खास तौर से NRC आने के बाद भारतीय नागरिक रजिस्टर का जो आतंक छाया हुआ है इस पूरे इलाके में, वो जो पूरा आतंक है उससे लड़ने का एक औजार इन लेखकों ने, कवियों ने, जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है। कवियों का यह कहना है कि क्या हमारे अंदर जो गुस्सा, बेचैनी है, जिस तरह से हमें भारत से अलग किया जा रहा है, इस पूरी पीड़ा पर हम कविता भी नहीं लिख सकते हैं? क्या कविता लिखना भी राष्ट्रद्रोह हो गया है? ये जो सारे सवाल हैं इस पूरे इलाके में बेचैन करने वाले हैं, बहुत शिद्दत से लोग महसूस कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत का जो बाकी हिस्सा है वह भी ये जो मियां शैली है, मियां कविता है, इसे लिखने वाले जो कवि हैं उनके समर्थन में आएंगे। आपके सामने मैं रख रही हूं जो लिखो कविता है जिसका उल्लेख इस FIR में भी है, उस कविता के कुछ अंश मैं आपके सामने पढ़ रही हूं। इसका अनुवाद किया है लेखक और अनुवादक चंदन पांडे ने। लिखो, दर्ज करो, मैं मियां हूं, नाराज रजिस्टर ने मुझे 200543 नाम की क्रम संख्या बख्शी है। मेरी दो संतानें हैं जो अगली गर्मियों तक 3 हो जाएंगी। क्या तुम उससे भी उसी शिद्दत से नफरत करोगे जैसी मुझसे करते हो? सावधान, गुस्से के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। दूर रहो वरना भस्म हो जाओगे। जो आखिरी 3 लाइनें हैं, सावधान,
गुस्से के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं, दूर रहो वरना भस्म हो जाओगे, यह कविता का अंतिम सिरा है। यह कविता आज की तारीख में राष्ट्रद्रोही है, हिंसा फैलाने वाली करार दी जा रही है। सवाल यह है कि जो NRC को लेकर हंगामा है, जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह की असुरक्षा पूरे नॉर्थ ईस्ट में और खास तौर से असम में मुसलमानों के बीच में है, जिसके विरोध के स्वरूप में उन्होंने यह मियां कविता, मियां शैली विकसित की है, मियां बोली विकसित की है, इससे आप सहमत असहमत सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन क्या इस पे FIR करके ये जो एक्सप्रेशन है इसे बंद करना, इसे कुंठित करना, इसे जेल के भीतर डालने का एक आतंक दिखाना सही है? ऐसा हाल पूरे देश में चल रहा है। कुछ समय पहले हमने देखा 17 जून को झारखंड सरकार ने लेखकों, पत्रकारों और एक्टिविस्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, एक साल पहले FIR हुई थी। और अभी देश की राजधानी दिल्ली में जो वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार आंदोलन की एक बहुत पुरजोर पिलर हैं, इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर पर जिस तरह से CBI का छापा पड़ा, उससे साफ है कि जो पूरा हुक्मरान है वो बदले की भावना से साफ काम कर रहा है। और वहीं पर जो कवि, लेखकों और पत्रकारों पर हमले हैं वह भी बहुत तेज हुए हैं। आइए चलते हैं दिल्ली की ओर, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में इस समय पत्रकारों के बीच और ख़ास तौर से कुछ चुने हुए पत्रकार जो रिपोर्टिंग में रहे हैं, जो काफ़ी सीनियर हैं, जो फिनेंस कवर करते रहे हैं, बजट कवर करते रहे हैं, उनके बीच बहुत बेचैनी है। अचानक रातों रात फाइनेंस मिनिस्ट्री में, नॉर्थ ब्लॉक में, जो PIB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जिनको मान्यता प्राप्त है, उनकी आवाजाही फाइनेंस मिनिस्ट्री में रोक दी गई। कोई सीधे सीधे कारण नहीं बताया गया, ऐसा भी नहीं कि कोई सरकार की तरफ से वजह आई हो जो सामान्य तौर पे PIB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के पास मेल के जरिए, SMS के जरिए पहुंचती है। कुछ भी नहीं पता चला, बस खाली ये पता चला वहां पर जाकर कि PIB है, लेकिन तब भी जब तक आपको मंत्रालय के अंदर बैठा हुआ अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर बुलाता नहीं है, आपके नाम पर पास नहीं आता है, तब तक आप इस मंत्रालय के अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद थोड़ी सी खबर चली कि उद्योग भवन में भी ऐसा हो रहा है, कुछ चर्चाएं ये आई कि कई मंत्रालय जो बहुत संवेदनशील हैं वहां पर भी सरकार ऐसा करने को सोच रही है। और ये सारी चीजें उस समय हुई जब बजट आया, बजट के बाद, बजट को लेकर जो आंकड़े थे, जो आंकड़ों में मिलान नहीं हो रहा था, उसको लेकर कुछ निगेटिव रिपोर्टिंग शुरू हुई। इस नेगेटिव रिपोर्टिंग से परेशान होकर अब यह आदेश निर्मला सीतारमण ने सीधे सीधे दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से आया, यह तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी जो PIB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनका प्रवेश रुका हुआ है। और इसके पीछे तमाम कारण दिए जा रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो अंदर जाके तमाम तरह की अफरा तफरी करते हैं, खाते पीते हैं, परेशान करते हैं, अधिकारियों को परेशान करते हैं, ये सारे कारण बताए जा रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। PIB कार्ड मिलना, PIB एक्रेडिटेशन मिलना बहुत ठोक बजा के सरकार देती है, और पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है कि PIB मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जिन लोगों को मिला है उनको भी गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलता है, पुलिस की जाँच होती है, तमाम प्रक्रिया के बाद PIB कार्ड मिलता है, और वह कार्ड दिया ही इसलिए जाता है ताकि खबरों तक आपकी आवाजाही आसान हो सके, आपको वहां पर पास का इंतजार ना करना पड़े, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आप निकाल सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को डर है कि जो एक्सक्लूसिव खबरें निकल सकती हैं, जिस तरह का इस समय क्योस मचा हुआ है कुछ मंत्रालयों में, उसमें यह भी डर है कि कितना वो बाबुओं पर कंट्रोल कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम बाहर से ही बात कर सकते हैं क्योंकि सरकार का अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे आया नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये जो सरकार का कदम है, इसका विरोध पत्रकार बिरादरी ने काफ़ी कसकर किया, एडिटर्स गिल्ड ने लिखा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लिखा, फॉरेन प्रेस क्लब ने लिखा, वुमेन प्रेस कॉर्प्स ने लिखा, एक इनका डेलीगेशन भी गया मिलने के लिए, क्योंकि ये अंदेशा बहुत तगड़ा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की रोक
कुछ और मंत्रालयों में भी लग सकती है। सवाल सीधा सीधा ये है कि जब पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट का प्रवेश रोका जा सकता है, तो बाकी जो जर्नलिस्ट हैं जिनकी तादाद अच्छी खासी है, जिनको खबरों के लिए या जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी के लिए अधिकारियों से मिलना होता है, अधिकारियों से बातचीत करनी होती है, उनकी राय जाननी होती है, वह क्या करेंगे? पिछले 5 सालों में हमने देखा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं वो एक तरफा होती है, वहाँ दूसरे पक्ष को बोलने की, सवाल पूछने की समय ही नहीं मिलता है। ऐसे में ये जो सारा कदम उठाया है सरकार ने, इसे लेकर चिंता है और चिंता बहुत वाजिब है। चलते चलते एक ज़रूरी खबर पर छोटा सा चर्चा और। राजस्थान से खबर आई है और यह मेल भेजा है अरुणा राय और उनकी पूरी टीम ने, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एक बहुत संगठित दुष्प्रचार कुछ समय से चल रहा है और इसे लेकर उन्होंने बहुत गंभीर चिंता की है। उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि एक पब्लिकेशन है, कौन है अर्बन नक्सल, जिसे छापा है राजस्थान से, राजस्थान का ही पब्लिकेशन है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है विश्वनाथ संवाद केंद्र। इसने जो अर्बन नक्सल के नाम से, कि कौन है अर्बन नक्सल नाम से जो पुस्तिका निकाली है, छोटी सी पुस्तिका है जो पूरे राज्य में घूम रही है, जिसमें फ़ोटोज़ हैं और जिसमें बताया गया है कि जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अरुणा राय हों चाहे निखिल डे हों, हम इन दोनों के बारे में कम से कम जानते हैं कि लंबे समय से भोजन के अधिकार से लेकर सूचना के अधिकार पर काम करते रहे हैं, नीतियों में काफ़ी जो जनपक्षधर नीतियाँ हैं उनको लाने के लिए संघर्षशील रहे हैं, और इस तरह के आंदोलनकारियों की लिस्ट लंबी है इस पूरी की पूरी जो एक छोटी सी बुकलेट जारी की गई है। इसमें बहुत ही गंदे ढंग से इन तमाम आंदोलनकारियों को सीधे सीधे देशद्रोही करार देना या देश के खिलाफ काम करने वाला बताने की कोशिश की गई है। तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की बात है जब ये ध्यान में उनके आया था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से इस पुस्तिका का प्रचार प्रसार हो रहा है, जगह जगह जा रही है, बड़ा मज़ेदार है कि इसमें एक जो पूरा का पर्चा है वो कहता है राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अर्बन नक्सल की आहट। यानी पिछले 3-4 साल में हमने दिल्ली और आसपास, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पे जो ये सारा प्रचार देखा था, जिसमें टारगेट करके कुछ आंदोलनकारियों को निशाने पे लिया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लोगों को उकसाया गया था, एक अलग ढंग की नफरत का माहौल बनाया गया था, ऐसा लगता है कि राजस्थान से इस बार यह सिलसिला शुरू हो रहा है। अरुणा और निखिल ने जो चिंता जाहिर की है उस पर बाकी जो सिविल सोसाइटी है, बाकी जो पत्रकार हैं, बाकी जो लेखक हैं, उनको सोचना होगा। इस बार खोज खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार कुछ इसी तरह की छोटी और बड़ी खबरें जिनका अर्थ बहुत गहरा है और जिन्हें दबाने की कोशिश मीडिया में बहुत पुरजोर ढंग से हो रही है, इस पर आपके साथ बात करने के लिए।